बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैक्रोनी, वो भी अपने स्टाइल में, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। चलें आए स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं ऑयल ले लूँगी, मैं जैतून का ले लें, कोई भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। सही है, और इसमें अब मैं प्याज शामिल करूंगी। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं प्याज शामिल कर देंगे इसमें। मैं चिकन शामिल करूंगी, छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं चिकन के, इसको भी फ्राई कर लूंगी। जाएगा और ये तमाम मसाले जाएंगे, काली मिर्च पाउडर, छोटी भी लाल मिर्च और वाइट पेपर पाउडर, और ये है अदरक पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, ये कैनोर क्यूब, और नमक। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि जो है सोया सॉस और चिल्ली सॉस 1-2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2-3 टेबल स्पून, सिरका भी 2-3 टेबल स्पून डाल देंगे हम। 3 अदर बड़े बड़े काट के इसको पीस लिया था, अब इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, फिर बाकी की प्रोसेस आपको बताऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो है मसाला बिल्कुल भून गया है चिकन के साथ। अब हम फिर सब्जियां डालेंगे, तो सबसे पहले बंद गोभी डालेंगे। अरे क्या खुल गया, क्या करूँ, आया हुआ था वहाँ पर। बंद गोभी शामिल कर दिए, गाजरें शामिल कर देंगे, शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, हरी प्याज आखिर में शामिल करेंगे, वरना इसका रंग ब्लैक हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सही है, अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे, तो ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जियों को। इसमें ही जो है सबसे जायके की बात यही होती है कि इसमें हम सब्जियों को ज़्यादा ना पकाया जाए। ये देखें व्यूअर्स, सब्जी जो है हमारी तैयार हो चुकी है मैक्रोनी के लिए, और तकरीबन सॉफ्ट हो गई है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट ज़रूर करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनी होती है ये, घर के मसालों से भी इजीली तैयार हो जाती है, यानी कि कोई बाहर के मसाले डाले जाएँ। हरी प्याज भी इसी टाइम शामिल करेंगे ताकि हरी प्याज का रंग ब्लैक ना हो जाए, तो बस हम तो दम पे रख देंगे, फिर को तर्ज करके दिखाते हैं आपको। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो है मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त होती है, आप चाहें तो ऐसी खाएं या फिर मायनीज केचप के साथ सर्व करके खाएं, हर तरह से बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी आपको। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलिएगा। चलें आए मैं आपको सर्व करके, ये मायोनीज में डाल रही हूँ उसमें, और केचप डालूंगी,
ये बगैर मायोनीज केचप के भी अच्छे लगेगा और ऐसे भी खा सकते हैं मिक्स करके, मज़े का लगता है इस तरह भी। बहुत मज़ेदार है यम्मी, आप भी खाएं बनाएं एंजॉय करें, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला हर उस जगह से आपको रिस्क और खुशियाँ अता फरमाए जहाँ से आपका गुमान भी ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।